दोस्तों आज वन प्लस की तरफ से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले जो है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, वन प्लस सेवन जो वन प्लस 60 का सक्सेसर होने वाला है, वो हमने सोचा था कि भाई 5G तो डेफिनेटली होगा, वन प्लस 60 नहीं तो 7 तो होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। वन प्लस ने कंफर्म कर दिया है कि वो एक नया 5G फोन लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, इसका मतलब कुछ महीनों पहले, 2-3 महीनों पहले हमने आपको एक न्यूज दी थी, मार्क किया हुआ था उन्होंने कैलेंडर के ऊपर जनवरी 15 ये डेट फोन के लिए। हमने कहा था कि भाई वन प्लस 7 होगा, लेकिन ऐसे नहीं है, नया फोन आ रहा है वन प्लस की तरफ से, जिसकी अलग ब्रांडिंग होने वाली है, अलग नाम होने वाला है और वो 5G को सपोर्ट करने वाला है। कंपनी ने ये भी कंफर्म किया कि वन प्लस 7 जो होगा वो 5G को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमको प्राइजेस डाउन रखनी है, उसकी वजह से वन प्लस 7 नो 5G, अ न्यू वन प्लस फोन विथ न्यू ब्रांडिंग विच विल हैव 5G। वन प्लस 7 की ही और एक खबर है। अब ये जो है ये आप विश्वास रखो ना रखो, क्योंकि ये लीक्स रूमर्स है, उसके रेंडर्स आए हुए हैं और रेंडर्स ये बताता है कि वन प्लस 7 होने वाला है ट्रिपल कैमरा के साथ, बिंदी नॉच होने वाली, बिंदी यानी पंच होल नॉच होगा, डिस्प्ले जो है कंप्लीटली बेजललेस, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो होगा और दिखने को बढ़िया है। दोस्तों इतने जल्दी, अभी तो वन प्लस 60 की जो लॉन्च है वो भी ठीक तरह से ख़त्म नहीं हुई है, नए नए कलर्स आ रहे हैं और वन प्लस सेवन के रेंडर्स वगैरह आ गए हैं, विश्वास रखना है तो रखिए, मैं तो नहीं रखूँगा। लेकिन दोस्तों ओप्पो R19 ही दिख रहा है, क्योंकि ओप्पो R19 के जैसे ही वन प्लस 7 होने वाला है, देखते हैं। और दोस्तों आप अगर नए हो इधर तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 257 और 5G की बात चल रही है। दोस्तों तो आज हमने एक बढ़िया सा वीडियो बनाया है, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई 5G है क्या, 5G आपको कैसे मदद करेगा, उसके पीछे का टेक्नोलॉजी क्या है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है। वैसे दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब, लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है और घंटी है, दोनों को बजा दीजिए, ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। किसी का फोन हाईजैक हो जाता है या फिर हैक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कंपनी जो होती है उनका नेटवर्क हैक हो जाता है, हाईजैक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोस्तों गूगल जी हाँ, गूगल का जो ट्रैफिक था मंडे को यानी कल, हाईजैक कर दिया था चाइना और रशियन के हैकर्स ने। जो US में लोग थे वो जब भी YouTube या फिर गूगल के कोई भी वेबसाइट्स पे जाते थे, कुछ 1.5 घंटे के लिए हुआ, वो सीधा पहुंच जाते थे रशियन सर्वर्स पे या फिर चाइना में, और चाइना में जाके ब्लैक होल इफेक्ट कहते हैं उसे, तो उधर जाके बंद हो जाता था, तो लोगों को कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि गूगल की वेबसाइट्स ऑफलाइन है, लेकिन बेसिकली उनका जो इंटरनेट ट्रैफिक है गूगल का स्पेसिफिकली, वो हाईजैक हो गया था और ये किया था रशियन और चाइनीज ने। अब सोचिए दोस्तों, अगर गूगल हाईजैक हो सकता है, आप हम और बड़े जो कॉरपोरेशंस होते हैं उनका क्या कहना, वो तो ऐसे देखते देखते हो जाएंगे हैक हाईजैक। चलिए दोस्तों गूगल की तरफ से कुछ अच्छी खबर दे दूं आपको। जी हाँ, गूगल का जी बोर्ड उनका खुद का कीबोर्ड ऐप है, उसमें भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। और पता है क्या होने वाला है, ये जो जिफ है, इमोटिकॉन्स है, स्टिकर्स वगैरह हैं उसमें, जीबोर्ड में है, वो अब ऑटोमेटिकली जो सबसे अच्छा स्टिकर होगा, सबसे ज्यादा रिलेटेड होगा, आप जो टाइप कर रहे हो उसके हिसाब से आपको दिखेगा। इसका मतलब गूगल रीड करेगा आपके, वो किसी को बताएगा नहीं लेकिन रीड करेगा और उसके हिसाब से लगाएगा कि भाई ये वाला जो जिफ है, ये वाला स्टिकर जो है सबसे रिलेटेड है इसको, तो ये वाला दिखा देगा आपको, चलिए आप डालिए। तो AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी जो चैट वगैरह है वो ज्यादा रिच करेगा। दोस्तों हमने एक कीबोर्ड का एक बढ़िया सा वीडियो किया था, बेस्ट 5 कीबोर्ड्स, आपने नहीं देखा है जरूर देखिए, मोबाइल के कीबोर्ड दिए, जीबोर्ड सबसे टॉप पे था, अब AI के साथ तो और भी ज्यादा ऊपर चला गया है, लेकिन प्राइवेसी इशू आपको क्या लगता है। और दोस्तों आज की बहुत ज्यादा बड़ी खबर है ये, बिनी बंसल जो को फाउंडर थे, आपको पता है सचिन बंसल, बिनी बंसल नहीं, भाई नहीं है एक दूसरे के, लेकिन इन दोनों ने फ्लिपकार्ट फाउंड किया था और आज इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, बहुत ही बड़ी, वॉलमार्ट ने पिछले साल आके एक्वायर किया था उनको और अब बिनी बंसल को भगा दिया है। जी हाँ, कहने को तो ऐसे कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने रिजाइन किया है क्योंकि पर्सनल मिसकंडक्ट किया है कुछ, मतलब गलत काम किया है पर्सनली उन्होंने, उसकी वजह से वॉलमार्ट निकाल रहा है और बिनी बंसल ने रिजाइन कर दिया है। बट रियल रीजन दोस्तों मुझे ऐसे पर्सनली लगता है,
सचिन बंसल, जब वॉलमार्ट ने एक्वायर किया था, सचिन बंसल ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया था, और कुछ महीनों के बाद 12 महीने के अंदर अब बिनी बंसल भी चले गए। इसका मतलब जिन लोगों ने फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट की नींव रखी थी, जिन्होंने इतना बड़ा बनाया उन्हें, वो अब फ्लिपकार्ट के साथ नहीं है। बेसिकली फ्लिपकार्ट हैज नाउ बिकम वॉलमार्ट। जी हाँ। और दोस्तों वक्त हो गया है आज के डील्स का। आज के सिर्फ दो डील्स है, लेकिन क्या जबरदस्त है। सोनी का 32GB माइक्रो वॉल्ट USB ड्राइव, जो जनरली आपको 800-900 का मिलता है। डील्स भी होंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे तो 500-550 का मिलेगा, लेकिन आज की जो डील है उसमें आपको मिल रहा है 418 रुपए को, 418 रुपीज ओनली फॉर 32GB सोनी ड्राइव। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दूसरी डील, ये तो बहुत जबरदस्त है, लेनोवो का 10,400 मिली एम्पियर आर की पावर बैंक, आपको जो 1,500-2,000 के नीचे नहीं मिलते, या फिर हजार में, डील में भी हजार में मिलेगी, लेकिन आज आपको मिल रहा है 699 रुपीज में, लेनोवो 10,400 मिली एम्पियर आर की बैटरी पावर बैंक। जाइए खरीदिए इमीडिएटली। सैमसंग गैलेक्सी S10, जी हाँ, जो लॉन्च होगा, S10 और S10 प्लस शायद लॉन्च होंगे, MWC 2019 फरवरी में लॉन्च होने वाले, लेकिन उसकी सब खबरें ऑलरेडी बाहर आ गई है। इवान ब्लास, जो एक सीरियल लीक्स्टर है, सब लीक्स देते हैं और अच्छे लीक्स देते हैं एंड करेक्ट होते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इसमें जो स्क्रीन होने वाली है वो पंच होल स्क्रीन होगी, इसका मतलब जिसको मैं कहता हूँ बिंदी नॉच, छोटी सी नॉच होती है, वो होने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, 3 कैमरास होने वाले हैं इसके अंदर, 3 कैमरास पीछे की तरफ। अब जो भी 2019 में आएंगे फोन्स, 3 कैमरास के साथ ही आने वाले ऐसे लग रहा है, एटलीस्ट फ्लैगशिप लेवल का, और वैसे ही S10 भी होने वाला है। और उसके साथ में दोस्तों One UI, ये सैमसंग का नया UI या फिर स्किन जो भी आप कहोगे एंड्रॉयड पाई के ऊपर आने वाला है, One UI बाय सैमसंग। तो ये है आपका सैमसंग गैलेक्सी S10। अटेंडेंस दिया आपने, जी हाँ, लाइक करना है, अटेंडेंस कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं हो आप, अटेंडेंस मतलब हमारी न्यूज आपने देखी, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, लाइक जरूरी। और एक फोन का, अभी Mi 8 कुछ ही 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, और Mi 9 के भी स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं, 6.4 इंच की स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 8150 का प्रोसेसर, मतलब 855 उसको रीनेम करके 8150 कर दिया है, 6GB रैम, 8GB रैम, 10GB रैम, वही पंच होल नॉच, छोटी सी नॉच होने वाली है ऊपर की तरफ, क्विक चार्जिंग 5 को सपोर्ट करेगा, वायरलेस चार्जिंग होने वाला है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं Mi 9 की, और कब आने वाला है पता नहीं, टेक दिस न्यूज विद पिंच ऑफ सॉल्ट। कुछ ही दिनों पहले एप्पल ने लॉन्च किया मैकबुक एयर, मैक मिनी वगैरह, आईपैड प्रो। अब दोस्तों जैसे उनके फोन्स और दूसरे मैकबुक प्रो में वगैरह आते थे, वैसे ही इनमें भी T2 सिक्योरिटी चिप है। और ये क्यों है, इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप खरीदने वाले हो एप्पल तो ये न्यूज जो है जरूर सुनिए। आप ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पे ही जाके उसको, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, जो बहुत आते हैं एप्पल के डिवाइसेस में, ऑथोराइज सेंटर पे ही जाना है, पैसे बहुत सारे लेके जाइए, क्योंकि आपको पता है ऑथोराइज एप्पल सेंटर में आप ठीक करने को कोई भी चीज डालिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। आप दूसरे कोई भी जो ऑथोराइज नहीं है, अनऑथोराइज है सर्विस सेंटर, उसके पास लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो T2 सिक्योरिटी चिप है वो ठीक कराने ही नहीं देगी, बंद हो जाएगा। अगर कोई कराने की कोशिश करता है बाहर से तो नहीं होगा। पैसे खरीदने के समय किडनी, उसके बाद में लीवर और बाकी सब कुछ भी होगा, तो ऐसे ही। और जाते जाते दोस्तों लास्ट खबर बोल दूं, इंटेल ने अब लॉन्च कर दिया है उनका खुद का 5G मोडेम, XMM8160 ये मोडेम है, और ये सिर्फ PC मतलब लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को ही नहीं, मोबाइल डिवाइसेस पे भी आपको 5G का सपोर्ट देगा। इसका मतलब ऐसा भी फोन आ सकता है जो Qualcomm Snapdragon 845 पे होगा विथ Intel 5G चिप, मतलब 845 का फोन विथ 5G सपोर्ट, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों 2019 के सेकेंड हाफ में या फिर 2020 में कमर्शियली अवेलेबल होंगे इसके डिवाइसेस, तो उतने वक्त तक रुकना पड़ेगा। 6GB का थ्रूपुट स्पीड, मोबाइल डेटा स्पीड आपको मिलेगा इसके ऊपर। क्या आपको मिला आज का ट्रेजर हंट? नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली, आप अमेजोन का गिफ्ट वाउचर नहीं जीत पाओगे, लेकिन आपको अगर चाहिए तो जाके देखिए वापस। अगर आपको ट्रेजर हंट मिला है तो नीचे कमेंट में जाइए #TTTH साथ में टाइम स्टैम्प, और स्पेसिफिकली आपने क्या देखा ये हमें बताइए, और आप जीतोगे अमेजोन का गिफ्ट वाउचर। यस, और कल के हमारे विनर है ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट के, सुमन पांडा। सुमन जी
जरूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए, आपका जो आईडी है अमेजोन का ईमेल आईडी वो हमें भेज दीजिए, बहुत ही जल्दी आपको भेज देंगे अमेजोन का गिफ्ट वाउचर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ट्रैक एंड टेक न्यूज एपिसोड नंबर 257 इधर ही समाप्त होता है। अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना आपके हाथ में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।